मेघालय के गारो हिल्स से सुरक्षाकर्मियों ने अभियान के दौरान दो अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद की है। पहले अभियान के दौरान दोलोंगे के पास रिचांगरी गांव में संदिग्ध आईडी बरामद की गई। लगभग 10 किलो के इस दो आईडी को प्रेशर कुकर और छोटे बक्से से जोड़कर रखा गया था। वही वेस्ट गारो हिल्स के डू मेजिटॉक गांव से पुलिस ने 7.62 एमएम के 6 जीवित कारतूस को बरामद किया है। बता दें कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने गारो हिल्स में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कॉनराड सरकार पर निशाना साधा है।